नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अंक का घटाव। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो हमने सीखा कि एक अंक के जोड़। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर देखी नहीं है तो आप उसको जरूर देख लें। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक अंक का घटाव। हमने एग्जाम्पल तौर पर दो संख्या ले ली, चार और तीन। हमें चार में से तीन माइनस करना है, तो हम बेसिक से देखेंगे। सबसे पहले चार लाइन खींच लेंगे, एक दो तीन चार। इसके बाद देखेंगे कि नीचे कितनी संख्या है, तीन। तो तीन को हम काट देंगे, एक दो तीन। तो तीन लाइन को हमें काट देना है। अब हमारे पास टोटल कितनी लाइन बची है, वन। तो वन को हम इस क्या करेंगे, बॉक्स में लिख देंगे। तो चार में से तीन माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो एक आएगा। तो हम इसी तरह अब नेक्स्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे कितनी संख्या है, तो पांच है। तो पांच लाइन खींच लेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब नीचे देखेंगे नीचे कितनी संख्या है, तो नीचे दो संख्या है, तो दो को काट देंगे, एक और दो। दो को हमें काट देना है और अब काउंट कर लेना है कि कितनी लाइन हमारे पास शेष बची है। तो एक दो तीन, तो तीन लाइन हमारे पास शेष बची है। तीन को हम इस बॉक्स में लिख देंगे। तब पांच में से दो माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा तीन। तो हम इसी तरह अब नेक्स्ट को देखेंगे। तो हमारे पास अब संख्या है सात। तो सबसे पहले सात लाइन खींच लेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात। अब नीचे देखेंगे कितना अंक है, पांच। तो पांच को काट देना है, एक दो तीन चार पांच। तो पांच लाइन को हमें काट देना है। अब हमारे पास देखेंगे कि कितनी लाइन शेष बची है, तो एक दो। तो दो लाइन शेष बची है, दो को इस बॉक्स में लिख देना है। अब सात में से पांच माइनस करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, दो आएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।